हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉलेज काउंसलर में। यहाँ पे आपको कॉलेज से रिलेटेड हर एक कॉलेज, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, किसी भी ब्रांच इंजीनियरिंग के लिए हो चाहे कॉमर्स से रिलेटेड हो, हर कॉलेज की जानकारी यहाँ पे वो भी ट्रूथली देने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, यहाँ पे ना ही मैं आपसे कोई झूठ बोलने वाला हूँ। आपकी फीडबैक है, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग और थोड़ी बहुत रिसर्च के अकॉर्डिंग इस कॉलेज के बारे में हर एक चीज़ आपको बताऊंगा जो आप सुनना चाहते हो। एक फॉर्म आपको मिलेगा इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में जाकर जो भी स्टूडेंट और देख रहे हैं वीडियो, नए स्टूडेंट है वो तो आप देख सकते हैं वीडियो, तो पुराना स्टूडेंट है जो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। उस लिंक में क्लिक करके अपने कॉलेज की एक्सपीरियंस जरूर हमसे शेयर करें ताकि हम आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर बेहतर बना सके। चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो वाले। जनरली गाइस, इस वीडियो में हम कवर क्या करने वाले हैं, कोर्सेज जो कॉलेजेस, कौन कौन से कॉलेजेस को हम कवर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12th साइंस से जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल बी बी टेक, डिप्लोमा, बीएससी वगैरह जो भी कॉलेजेस हैं, उस कॉलेजेस की आपको ट्रूथ यहाँ पे बताई जाएगी। आगे बात किया जाए तो अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है तो जो बीकॉम बीबीए वाले जो भी जितने भी कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनको कवर करूंगा वन बाई वन, हर एक कॉलेज की पोल खोलूंगी यहाँ पे। आगे बात करते हैं जो अगला है, अगर आप मास्टर डिग्री करने चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप देखना चाहते हो, एमटेक, एमबीए, एमएड, पीएचडी, पीएचडी वगैरह, ये सब कॉलेज कौन सा बेस्ट कॉलेज है, वन बाय वन हर कॉलेज के यहाँ पे हम पोल खोलने वाले हैं। और जनरली ऐसी बात नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी कॉलेजेस से, बट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कॉलेज के रेटिंग के बारे में। तो टॉपिक जो कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे कि कॉलेज कैसा है, लाइक प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, क्या क्या है उस कॉलेज में, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ट्रुथ। यहाँ पे मैंने ट्रुथ क्यों लिखा है, ये केस स्टडी वाला टर्म से ट्रुथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारे कॉलेजेस को, आप हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं 12th के बाद पास आउट होकर जो स्टूडेंट्स आते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं नेट में, गूगल में वगैरह में पढ़ते हैं और घबरा जाते हैं कि भाई मेरा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रुथ टर्म बताया है कि एक्चुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस कॉलेज का क्या है और आप क्या देख रहे हो, आपका यहाँ पे पूरा चीज़ें डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या गूगल में रैंकिंग है, बहुत लोग रैंकिंग देख के कॉलेज को डिसाइड करते हैं, गूगल रैंकिंग भी अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट रैंकिंग तो मैं नहीं दे पाऊंगा बट हाँ एक्चुअल अप्रॉक्सीमेट रैंकिंग भी आपको यहाँ पे बताएगी। जो रेटिंग है गाइस, ये जो रेटिंग मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पे जो भी चीज़ें शेयर की थी, टोटल यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये 10 जो टॉपिक्स है इस पे मैं कॉलेज की रेटिंग करूँगा। और ये जो रेटिंग होगा, आपके जो मैंने फॉर्म शेयर किया था, आपने जो उस पर अपनी फीडबैक दिया था, आपके फीडबैक और मेरी राय और मेरी पर्सनल राय और कुछ जो स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट हुए हैं उनकी राय पे जनरली ये वीडियो हम बनाएंगे। जो रेटिंग की बात है तो टोटल ये 10 टॉपिक आप देख सकते हो, कॉलेज की एजुकेशन क्वालिटी कैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, स्टूडेंट फ्रेंडली है या नहीं है, क्यूरिकुलम एक्टिविटीज है या अच्छा है या नहीं है, टीचर्स का सपोर्ट स्टूडेंट्स को कैसा मिलता है, लाइब्रेरी कंडीशन कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है कॉलेज में, स्टूडेंट को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज वहाँ मिलती हैं नहीं मिलती हैं, और स्टूडेंट हेल्प कॉलम। ये जो 10th जो दिख रहा है, बहुत कमी कॉलेज में ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। और टोटल मैं 50 में से आपको यहाँ पे काउंट करके बताने वाला हूँ, जिसे यहाँ पे आपका वेरी पुअर, मॉडरेट एंड गुड, वो आप डिसाइड करना, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको रेटिंग प्रोवाइड करूँगा। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइज, रिव्यू ईयर 2020, जनरली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये 2020 में जस्ट अब वीडियो बना रहा हूँ, तो जनरली कोई फर्क नहीं पड़ता, दो साल बाद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा दो साल में कोई कॉलेज अपने आप को ठीक कर ले पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए देखा जाए कॉलेज की बात करें तो आज हम जनरली राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल है इसके बारे में हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी सारे मेरे को इस टॉपिक पे भी मैसेज आया था, मैंने बकायदा दूसरे चैनल में अपलोड किया था कि इस कॉलेज के बारे में बताइए, जो इसके पास आउट हैं जो पढ़ रहे हैं वो अपनी एक्सपीरियंस बताएं कैसा है कॉलेज, क्या यहाँ पे हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं क्या उनके लिए एडमिशन लेना यहाँ से ही रहेगा या नहीं रहेगा। एड्रेस की बात करें तो आप एड्रेस देख सकते हो, भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल की ये कॉलेज है। यूनिवर्सिटीज़ की बात, जनरली ये यूनिवर्सिटी है, इससे काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं एफिलिएटेड है, ठीक है। एड्रेस की बात करें तो एयरपोर्ट रोड, अब्बास नगर, गांधीनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन कोड देख सकते हो, और कॉन्टेक्ट के नंबर भी मैंने आपको दिया है। अब आगे चलते हैं। नाउ कॉलेज की बात किया जाए, कॉलेज गैलरी की बात किया जाए तो फोटोज़ पे तो बिल्कुल मत जाना, ये जो फोटोज़ है मैंने इंटरनेट से लिया है, तो फोटोज़ देख कर कभी भी कॉलेज से अट्रैक्ट मत होना, क्योंकि दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है, ठीक है। सो आगे हम बात करने वाले हैं कॉलेज टाइप। सबसे पहले हम कॉलेज टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। तो कॉलेज टाइप, राजीव गांधी जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसको हम UIT RGPV नाम से भी जानते हैं, और ये मध्य प्रदेश का एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। और ये जो एस्टेब्लिश हुआ था 1998 में एस्टेब्लिश हुआ था मध्य प्रदेश विधानसभा एक्ट 13 के तहत,
और जो ये यूनिवर्सिटी है जनरली गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग टेक्निकल से रिलेटेड, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में जनरली कॉलेज कोर्सेस आपको प्रोवाइड कराती है। और ये जो कॉलेज का नाम था, पुराने हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उनके नाम पे जनरली कॉलेज का नाम रखा गया था। आगे देखा जाए इस कॉलेज में अवेलेबल कोर्सेस, कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे इस कॉलेज में अवेलेबल है। तो अवेलेबल कोर्सेज की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे एमटेक, एमई, पीएचडी, बीबीटेक, एमफार्मा, बीटेक प्लस एमटेक एंड डिप्लोमा, जिसे आप पॉलिटेक्निक नाम से भी जानते हैं, वो है। फीस की बात यहाँ पे हम जनरली नहीं करेंगे। कुछ कॉलेजेस की फीस की, ये जनरली गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस आपको कुछ फीस मैंने यहाँ पे शो किया हूँ। बीटेक वालों का अगर बात करें, बी बीटेक वालों का, तो वो आपके रैंकिंग पे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। अप्रोक्सीमेट अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेज एमपी में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सबसे कम फीस, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो बहुत कम फीस में आप यहाँ से अपनी इंजीनियरिंग वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ब्रांचेस की बात करें तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे ब्रांचेस, मैकेनिकल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, सब लगभग, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इतने सारे ब्रांच आपको मिलने ही वाले हैं। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रुथ अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बीबीटेक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड स्पेसिफिक कट ऑफ होना चाहिए आईआईटी जेईई जो एग्जाम देते हो आप 12th के बाद। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ बीटेक के लिए। ठीक है, तो आईआईटी जेईई का यहाँ पे कट ऑफ, आपको जो भी कॉलेज है कट ऑफ बनते हैं, आईआईटी जेईई के एग्जाम आप दे, अगर उस कट ऑफ के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। दूसरा है कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी यहाँ पे कराई जाती है। फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट राउंड में आईटी जेईई के फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं हुआ, तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग में हो सकता है आपका एडमिशन आईटी जेईई के मार्क्स के अकॉर्डिंग हो जाए। तीसरा बात किया जाए कि आपका जो भी आप 12th पास किए हो, 60% एवव मार्क्स आपका कंपलसरी है एडमिशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी ऐसा नहीं ट्रुथ वगैरह, यहाँ पे कोई फॉल्टी चीजें नहीं बता रहा हूँ, एकदम ये ट्रुथ चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत लोग आपको बोलते होंगे अरे यार हो जाएगा, घुस दे देंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। रियलिटी यही है गाइस, नहीं चलेगा फिलहाल। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पोल खोल है ना, आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। डिप्लोमा की बात किया जाए तो डिप्लोमा एडमिशन के लिए जो एमपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, या फिर कॉलेज लेवल काउंसलिंग के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। पीजी कोर्सेज की बात करें, पीजी कोर्सेज में हमारे एमई, एमटेक, ये सब पीएचडी वगैरह आता है। और यहाँ भी गेट स्कोर, जाहिर सी बात है गेट में जो आपने स्कोर, आप गेट एग्जाम की बात करें तो आप बी बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह करते हो उसके बाद गेट का एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो कट ऑफ होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये कॉलेज मिलता है। अदरवाइज डायरेक्ट एडमिशन का भी यहाँ पे है पीजी कोर्सेज में। कैसे, अगर जैसे कि जनरली आज के टाइम पे एमटेक एमबीए बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग एमटेक एमबीए करते हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सीट बच जाता है गाइस, तो थोड़े से महंगे दाम में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, वो भी डायरेक्ट। ठीक है, अगर फार्मा की बात करें तो यहाँ पे जो फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। आगे बात किया जाए रैंकिंग की, तो लेटेस्ट जो 2020 की इसकी रैंकिंग है, तो कंट्री रैंक की बात करें तो ओवरऑल जो इंडिया में इसकी रैंक जो आती है इस कॉलेज की, 65-72 के अप्रोक्सीमेट इनके बीच में इसकी रैंक आती है। और वर्ल्ड रैंक की बात करें तो वो तो आप देख ही सकते हो, बहुत दूर है। ठीक है, मिसलिनियस की कुछ बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हॉस्टल फैसिलिटी। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आए हैं कि यहाँ की जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पे जो भी एडमिशन लें, कोशिश करें आप बाहर के हॉस्टल्स या फिर रूम रेंट वगैरह लेकर रहें, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आगे की बात करें आरएनडी, तो यहाँ पे आरएनडी की बात बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ऐसे कॉलेजेस, खासकर ये यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम कुछ आरएनडी रिसर्च में जाएं, और उनके लिए यहाँ पे जो स्कोप है वो मॉडरेट है, ना ही यहाँ पे वेरी पुअर है, ना ही वेरी गुड है। मैम यहाँ पे आपको आरएनडी, बहुत सारे स्टूडेंट आरएनडी में स्टार्टिंग तो कर लेते हैं बट उनको बूस्टिंग नहीं मिल पाती है, फैकल्टी की तरफ से कॉलेज सपोर्ट नहीं करता तो उनके पेपर पब्लिश नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटी वो मॉडरेट है, ना ही ज़्यादा अच्छा, ना ही खराब, मीडियम है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी आरएनडी में अगर आपको काम करना है। ठीक है, आगे बात किया जाए लो मैनेजमेंट, तो यहाँ की जो मेरे को मैसेजेस आया है, जो फीडबैक आप लोग की तरफ से आया है, मैक्सिमम जो फीडबैक में इस कॉलेज का मैनेजमेंट के बारे में बोला गया है और उसकी क्वालिटी बहुत बकवास है, और कहा जाए तो लो मैनेजमेंट क्वालिटी है। आगे बात करें तो टेक्निकल स्किल की बात करें, तो टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का जो टेक्निकल में स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट है, ना ही हम ज़्यादा खराब बोल रहे हैं, ना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं, यहाँ पे मॉडरेट लेवल की आपको टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट मिलेगा। इसके अलावा बात, मैंने यहाँ पे टर्म्स, ध्यान दीजिए टर्म्स लिखा है, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल स्किल में ही आपको मॉडरेट लेवल की यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी,
ठीक है। बाकी इससे इसके साथ आपको डांस जो है या फिर आपका अदर एक्टिविटीज़ है वहाँ पे आपको बहुत छूट मिलेगा। आप बाकायदा हर चीज़ में पार्टिसिपेट करके अच्छे से आप आगे काम कर सकते हैं। आगे स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल आपको पहले समझा दूँ इस पॉइंट का मतलब क्या है। स्टडी मटेरियल यहाँ पे मैंने पुअर दिया है, इसको मार्किंग पुअर मार्किंग इसलिए दिया है, पहली बात इस कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस है, किसी यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस की बात करें या फिर उनके एग्ज़ाम लेने का तरीका की बात करें बहुत रद्दी है। इनका सिलेबस आप देखोगे बाकी कॉलेजेस के हिसाब से बहुत घटिया क्वालिटी का सिलेबस ये करते हैं। जो कभी भी इनका रेगुलर सिलेबस चेंज होना, ठीक है, पहली तो ये प्रॉब्लम इनकी यूनिवर्सिटी की हमेशा होती है, सिलेबस का ऊट पटांग तरीके से सेकेंड ईयर में फोर्थ ईयर की चीज़ें पढ़ा देना, फोर्थ ईयर में सेकेंड ईयर की चीज़ें डाल देना, ये बहुत पुराना इस कॉलेज के साथ आता जा रहा है, पता नहीं ये कब ठीक होने होगा। आगे बात किया जाए रेटिंग, तो अब हम यहाँ पे रेटिंग स्केल और पोल खोल स्टार्ट करते हैं कॉलेज की। तो रेटिंग जनरली हम 50 में से देने वाले हैं, 1 by 1 सबको देंगे। व्यूअर्स के कुछ फीडबैक्स जो आए थे जो मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ, ये कुछ कमेंट्स हैं, मैं कमेंट्स आप यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो। ये काफ़ी सारे कमेंट्स यहाँ पे हम व्यूअर्स की तरफ से आए थे जो मैं यहाँ पे आपको शो करा रहा हूँ, आप बाकायदा पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं।